दोस्तों अंकिता लोखांजी ने भी बताया है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब उन्होंने बहुत ऑकवर्ड फील किया था। अगर उनके साथ उनके हस्बैंड विकी ना होते तो शायद शर्मिंदगी के मारे किसी के साथ भी नज़रें ना मिला पाती। दोस्तों अंकिता लोखांजी की एक वीडियो तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी लाइफ के मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट्स कौन से रहे। इसका इजहार किसी और ने नहीं किया बल्कि दोस्तों खुद अंकिता ने ही किया है। उन्होंने हमेशा अपने फैंस के साथ हर बात को शेयर किया है और उनके साथ अपनी स्ट्रांग बॉन्डिंग के बारे में भी इसी से ही जाहिर करवाया है कि वो अपने फैंस के साथ अपनी हर बात को बहुत ही आराम के साथ शेयर कर सकती हैं। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता लखानजे ने बताया कि उनकी लाइफ के कुछ ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स भी थे जब उन्होंने बहुत ही एम्बेरस फील किया था। एक मोमेंट वो जब उनकी साड़ी का पल्लू बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता जा रहा था और वो उससे संभाला भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर अंकिता ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि बार बार कैमरा मैन मेरी ही जानब देख रहा है और कैमरे का फोकस भी मेरी ही जानब है। यहाँ पर विकी ने जब ये सारी सिचुएशन को नोटिस किया तो उन्होंने ना सिर्फ मेरी साड़ी को ठीक किया बल्कि मुझे ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत केयर करना होगी। इसके साथ अंकिता ने ये भी बताया था कि मेरी लाइफ का मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट वो भी था जब सुशांत के साथ मैं रिलेशन में थी। मैं और सुशांत एक गाड़ी में बैठ बहुत ही फ्रेंडली मूड में बातें कर रहे थे और इस वक्त हमारी कुछ पिक्चर्स को भी कैप्चर कर लिया गया था। इसके बाद जैसे ही वो पिक्चर्स जब वायरल हुई तो मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सीन्स को भी हमें कैप्चर करना चाहिए और हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है और उनकी प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहीं पर अंकिता लुकांश ने अपनी लाइफ का तीसरा ऑकवर्ड मोमेंट ये शेयर किया कि रिसेंटली आईफा अवार्ड शो में जब वो पहुंची थी तो रेड कार्पेट पर वो गिर गई थी। इसीलिए तो विकी जैन ने उनको सहारा दिया था और साथ में कहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ तो हैवी हील्स के बारे में मत सोचो बल्कि चलती जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारा हाथ थामने के लिए। लेकिन जब मैं गिर गई थी तो मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हुई थी। वेल दोस्तों अंकिता के इन ऑकवर्ड मोमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सो स्टे कनेक्टेड, बाय।